अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और याद है निकल जाएंगे लाहौर तो 5 बजे निकलना था, लेकिन नहीं उठ सके। नूरी भाई अभी तक सो रहे हैं, मुंह में चाय बना रहे हैं, अंडे गर्म कर रहे हैं। मैं थोड़ी धूप सेकने के लिए आ गया हूँ, तो चलो सब चल के सबको उठाते हैं। नूरी भाई को उठाना पड़ेगा, उन्होंने कहना सोए सोए निकल गया हूँ। मुँह भाई चाय बना रहे हो? नहीं बनाओ, नहीं चाय बनाओ ना, नाल बिस्किट शिस्किट हो गए। दूध गर्म कर रहे हैं है? दूध दे ना, चाह दे बर्तन धोने वाले ने। चीनी कटवा ना ते पत्ती ज्यादा ज्यादा भी तेज ना कर देना। लो यार समर भाई इंशाल्लाह एक हफ्ते की मुलाकात, 5 दिन बाद मुलाकात होगी। खबे जी, फाइनली लाहौर पहुंच गया है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम हो गया है इस वक्त 2:18, और अच्छा टूर आज सियालकोट का। हेलो हाय बोलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सियालकोट वाला का तो मैसेज अच्छा लग गया, दूसरा शहर अच्छे लोग मज़ेदार शहर, लोगों से ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। वैसे तो हर शहर ही खूबसूरत होता है, लेकिन जब वहाँ के लोग सीधा, लेकिन जब लोग अच्छे हों तो शहर ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और गोप्रो के बाद DSLR के ऊपर पहली बार शूट किया, इसका एक्सपीरियंस नहीं था। एक तो ये वेट में काफ़ी हैवी है, और ऑटो फोकस का और ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि मसले आए होंगे। दूसरा लेंस का थोड़ा मेरा 18-55 किट लेंस है, उसके बाद से जो सा वाइड एंगल जो सा व्यू है वो भी नहीं आया। समझ लो कि ये एक ट्रायल था DSLR पे शूट करने का, तो वाइड एंगल ना होने की वजह से जो सा है थोड़ा मसला हो रहा है। जैसे कि अब मैं इधर आपसे बात कर रहा हूँ, मून में बीच में नहीं आ रहे हैं, मून में कभी मिले तो मेरे थोड़ा कैमरा दूर हो जाता है। तो अब बाय करूँगा लेंस 10-18 लेंस लूँगा तो ये वाइड एंगल हो जाएगा। ओके जी मून भाई, किधर से खुदा मुझे दिल नहीं कर रहा यार काम पे जाने का, ला जाओ तालू किले रोके हैं। अब आप जो है अब आप मुझे जबरदस्ती जॉब पे लेके जा रहे हैं, काम वास्ते थोड़ी रखे है। ये किस तरह तालू तेरा अपने पर एंजॉय करा दे, एंजॉय करो। अब काम कर ले। ओके तो ऑफिस पहुँच गए, अब काम शाम करते हैं। सैर सुर ख़त्म हो गई है, मीटअप शीट पर ख़त्म हो गया है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो करो शेयर, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट डालें। सियालकोट खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय। हाँ जी जी।